हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको एक क्रॉस वर्ड पजल कंप्लीट करना है। कुछ आपको अक्रॉस है और कुछ डाउन एलिमेंट्स फिल करने हैं। तो अक्रॉस में जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एंड यस इट इज मैग्नीशियम। तो यानी कि फर्स्ट अक्रॉस में लेफ्ट टू राइट में मैग्नीशियम फिल किया जाएगा। देन थर्ड नंबर है मेटल यूज्ड इन मेकिंग कैंस एंड ग्रुप मेंबर ऑफ ग्रुप 14। कैंस बनाने में इस मेटल को यूज करते हैं और ग्रुप 14 का ये मेंबर है, तो दिस इज टीन। देन लस्ट्रियस नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है जो शाइनिंग है, विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट इज आयोडीन। तो क्रॉस ये तीन ही एलिमेंट्स आपने फिल करने थे। उसके बाद डाउन है, डाउन पे नंबर 2 पे है हाईली रिएक्टिव एंड सॉफ्ट मेटल, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और सॉफ्ट मेटल है, विच इम्पार्ट्स येलो कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम, और ये फ्लेम को येलो कलर दे देता है, एंड कैप्टन कैरोसिन, और इसको कैरोसिन में पुट करते हैं। तो येलो फ्लेम का हिंट होने की वजह से इट विल बी सोडियम, और हमें पता है कि इसे हम लोग कैरोसिन में रखते हैं। देन फिफ्थ है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट, एंड दैट इज लिथियम। तो लिथियम है आपके पास सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट। देन सिक्स्थ है डाउन में एलिमेंट विच इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरिसेंट बल्ब्स एंड इज सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप 18 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट जिसे हम लोग फ्लोरिसेंट बल्ब बनाने में यूज करते हैं और वो ग्रुप 18 का सेकंड मेंबर है। तो ग्रुप 18 का सेकंड मेंबर नियोन, फर्स्ट हीलियम, देन नियोन। सेवेंथ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली का लास्ट मेंबर जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एस्टर्टिन, ये हेलोजन फैमिली का लास्ट मेंबर है। देन एट्थ है मेटल विच इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, स्टील को बनाने का लिए एक मेटल जिसको बहुत यूज किया जाता है, एंड फॉर्म्स रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, और जब मॉइस्चर वाली एयर के साथ कांटेक्ट आएगा तो रस्ट लग जाएगा। आयरन की बात हो रही है। लास्ट नाइन्थ पार्ट इज फर्स्ट मेटलॉइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुज फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है और फर्स्ट मेटलॉइड है, दैट इज इजी टू आंसर, दैट इज बोरॉन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आपको लैडर दी हुई है और उसमें एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं, तो हमें इनको रीअरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चलिए मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ, लिथियम, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, नियोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्गन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फर एंड हीलियम। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो
तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन नियॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका हो गया फ्लोरीन, देन नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपका आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हम लोगों का लिखा गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसी तरीके से लिखना है या कोई और तरीके से हम लोग इसको डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, HELIBE। ओके, उन्होंने एक सीधी लाइन में लिख दिया है, सबसे कम पहले और फिर सबसे लास्ट में, ठीक है। तो अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ग्रुप ऑल्सो। अब ग्रुप के अकॉर्डिंगली भी इसको ऑर्डर करना है, क्लियर कर लेते हैं। ये तो अगर हमें मॉडर्न पीरियड टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स पता है फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ग्रुप वन में हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये चार एलिमेंट्स हैं जो हम लोग फर्स्ट ग्रुप में प्लेस करेंगे। सेकंड ग्रुप में आपके पास है बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम। 3 से लेकर 12 तक जैसे आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बेफिक्र रहिए। 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, दो ही एलिमेंट्स हैं। 14 में है आपके पास कार्बन एंड सिलिकॉन। 15 में है आपके पास नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। 18th में हीलियम है, नियॉन है एंड आर्गन है। तो इस तरीके से 46th का आंसर आप लोगों ने डन कर लिया। यस, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स नॉट नोन एट दैट टाइम एंड नेम टू ऑफ देम एज इका सिलिकॉन एंड इका एल्यूमिनियम। मेंडलीव ने ये प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, और प्रिडिक्शन पहले कर दी थी, और उनको नाम दिया एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। नेम दी एलिमेंट्स विच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट। तो एका सिलिकॉन की जगह पर कौन सा एलिमेंट है और एका एल्यूमिनियम की जगह पर कौन सा एलिमेंट है, वो हमसे पूछा गया है। चलिए आंसर लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एका सिलिकॉन की। एका सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम, जर्मेनियम की डिस्कवरी बाद में हुई तो इसीलिए एका सिलिकॉन। सेकंड जो है आपके पास एका एल्यूमिनियम एंड द आंसर इज गैलियम।
अगर आप सिंबल भी लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, जीई एंड जीए। देन इसी क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट था ए। बी है मेंशन द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका आप लोगों को ग्रुप और पीरियड बताना है। जर्मेनियम लिख लेंगे पहले, फिर लिख लेंगे हम लोग गैलियम, ग्रुप एंड पीरियड। तो जर्मेनियम हमारा सिलिकॉन वाले ग्रुप में है, और आपको पता है सिलिकॉन का ग्रुप नंबर 14 होता है। गैलियम की अगर बात करेंगे, गैलियम का जो एल्युमिनियम है वो 13th ग्रुप का मेंबर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 13। जर्मेनियम और गैलियम दोनों ही अंदर फोर शेल हैं, तो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो आंसर विल बी ग्रुप नंबर जर्मेनियम का 14, गैलियम का 13, लेकिन पीरियड दोनों के लिए सेम है, दैट इज 4। सी करते हैं अब हम लोग पार्ट। क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है, उसमें अरेंज करना है। जर्मेनियम जो है वो आपको पता है एक मेटलॉइड है, आपकी बुक में क्लियर कट दिया हुआ है, तो वी विल राइट मेटलॉइड। जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज गैलियम, जो गैलियम है उसकी प्रॉपर्टी भी यस मेटलॉइड, यानी कि बोथ एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। ओ सॉरी, नॉट मेटलॉइड्स, गैलियम तो मेटल है क्योंकि एल्यूमिनियम से मिलती है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो गैलियम इज एल्यूमिनियम। ओ सॉरी, गैलियम इज मेटल, यस। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। तो दोनों में बताओ कहते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम की। जर्मेनियम का ग्रुप नंबर 14 है, तो यानी कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वी विल राइट 4। यहाँ पे वैलेंसी नहीं पूछी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंड पार्ट है गैलियम। गैलियम का ग्रुप नंबर 13 है, तो बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 खत्म हुआ। आई होप कि आपको 47, सॉरी 47 के चारों पार्ट्स खत्म हुए। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन आज के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।